A very good morning, class 5. How are you all? I hope you all are doing good. Students, today we will start a new chapter, that is Facts of Life. Okay, that is your chapter number 4. So take out page number 9. Students, in this chapter you all will learn about some realities of life. Okay, life ki jo kuch facts hain jo true hain, uske bare mein aap is chapter mein padhenge. Okay? Students, these are the statements on which we will discuss, okay? And then you all will be able to know the given sentences are true or false. So let's start. Babies and sick people drink goat's milk because it is easier to digest than cow's milk. बच्चे और बीमार लोग बकरी का दूध इसलिए पीते हैं क्योंकि बकरी का दूध गाय के दूध के कंपैरिजन ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है. सो यस किड्स, इट विल बी ट्रू. गोट्स मिल्क इज ईजिली डाइजेस्टेड देन द काउज मिल्क, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स फैट मॉलिक्यूल्स. जो गोट के दूध के फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं. दैट मेक्स इट ईजियर फॉर द बॉडी टू प्रोसेस, ओके. सो इट विल बी ट्रू. सेकेंड इज, सम फिश लाइक वॉकिंग कैट फिश, मड स्किपर्स एंड फ्लाइंग फिश कैन ऑल्सो लिव ऑन लैंड. स्टूडेंट्स, दीज आर द काइंड ऑफ फिशेज, ओके, दैट ऑल्सो कैन लिव ऑन लैंड. कैट फिश, मड स्किपर्स एंड फ्लाइंग फिश, ये सारी जो हैं पानी के संग संग लैंड पे भी जीवित रह सकती हैं, ओके. सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड इज, मॉस्किटोज डू नॉट हैव टीथ. मच्छरों के दांत नहीं होते हैं. सो यस किड्स, इट विल बी ऑल्सो ट्रू. मॉस्किटोज के टीथ नहीं होते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं, ओके. फोर्थ इज, द इंडियन स्विफ्ट कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 170 किलोमीटर पर आवर. स्टूडेंट्स, इट विल बी फॉल्स, ओके, बिकॉज द इंडियन स्विफ्ट कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, ओके. 170 नहीं, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लाई कर सकती है, ओके. सो इट विल बी फॉल्स. सम इंसेक्ट्स मे लिव फॉर एज लॉन्ग एज अ ईयर आफ्टर देयर हेड्स आर कट ऑफ. And live up to 7 days without their head because they have little nervous system in their head, okay. जो बाकी का nervous system होता है ये इनकी body के ventral part में होता है, जो stomach portion होता है उसमें होता है, okay. So it will be true, okay. And next is, if you start to lose your balance you use your arms to balance yourself. Monkeys use their tails. Yes, students, it will be also true. Okay, here is talking about humans. If human lose their balance, they always use their arms. है ना students? जब हम डिसबैलेंस होते हैं या गिरने वाले होते हैं तो हम हमेशा अपने हाथों का यूज करते हैं खुद को संभालने के लिए. But monkeys always use their tails. While jumping, swinging and climbing, they need to balance themselves and that time they use their tails. Okay? So it will be also true. 7. Birds of prey have powerful hooked beaks. Means जो शिकार करने वाली birds होती हैं उनकी चोंच जो होती है वो झुकी हुई होती है और बहुत powerful होती है, बहुत मजबूत होती है. Through they can catch their prey. Okay? So it will be also true. Okay? 8 is, camels sway from side to side when they walk because they lift both their legs on one side at the same time. Students, 8th point I will explain with the help of this video, okay? In this video you can watch how the camel is walking. जब कैमल्स चलते हैं तो एक समय पर अपने एक ही साइड के दोनों लेग्स को उठाते हैं, जिसके वजह से जब ये चलते हैं तो ये झुक कर चलते हैं, ओके. सो दिस पॉइंट ऑल्सो विल बी ट्रू, ओके. नेक्स्ट इज, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ निबलिंग रैट्स रेक 1/5 ऑफ द वर्ल्ड क्रॉप. हर साल दुनिया में जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसका लगभग 1/5 पोर्शन कई सारे लाखों चूहे उस प्रोडक्शन को कुतर के खराब कर देते हैं, ओके. यानी कि अगर 100 केजी क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है तो 20 केजी क्रॉप जो है ये रैट्स कुतर के खराब कर देते हैं, ओके. सो इट विल बी ऑल्सो ट्रू.